तो आप रेशनलाइज करोगे तो चीजें आसानी से आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो अगला वाला, अगर आप देखोगे यहाँ पे, बताओ कैसे रेशनलाइज करूंगा। सर रूट एक्स माइनस बी प्लस में रूट ए माइनस बी। हाँ, एक्स माइनस बी, वेरी गुड। और प्लस का रूट ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप कर दोगे, ऊपर वापस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। और नीचे भी देखो ये जो टर्म है इसके भी फैक्टराइज कर देना। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या बनेगा, एक्स माइनस ए, ए माइनस बी ए प्लस हाँ ए एक्स प्लस, वेरी गुड। तो ये ऊपर वाले से कट जाएगा एक फैक्टर, एक्स माइनस ए वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना आप तो? सर। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा बता दो सर जी, पांचवा वाला एक बार हिंट। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन वापिस प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर मतलब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का एंट्रीज लगती है, मतलब उससे थोड़ा मतलब दिक्कत है, मतलब कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है हाँ बट हाँ वो हाँ ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज याद नहीं है। तो वो तो याद करने पर, तीन ही तो है, दो ही तो है, एक तो साइन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, और दूसरी एक कॉस में भी होती है, अगर वो याद रखो तो। नहीं तो दो तो याद कर लो कम से कम। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पर वो वाले नहीं जिसमें मतलब कई बार हमें सिंपलीफाई करने के लिए ना मतलब उन आइडेंटिटीज अच्छा, का वो पाई इस्तेमाल बाई करना टू माइनस पड़ता साइन है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो वाला। जैसे साइन ए प्लस साइन बी वाला हाँ, वो। तो उसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद, ट्रिग्नोमेट्री से आप बच नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आगे कैलकुलस में बहुत ज्यादा डिटेल में काम आएगी, सर तीस आपको के तो वो करीब तो फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दूसरा, ठीक है। एक सेकेंड ना बच्चों, ये स्क्रीन शायद हट गई है, मैं वापिस शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि आगे जब इंटीग्रेशन का चैप्टर आप करोगे वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। एक मिनट बच्चों, मैं लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर शायद यहाँ से ऑप्शन हट गया है, मैं वापिस कर रहा हूँ। सर हेलो, हाँ सॉरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ आप बताओ कौन सा पार्ट डाउट था इसमें, स्क्रीन दिख रही सबको? हाँ, आप कौन सा हो गए सारे क्लियर के, कोई बाकी है इसमें डाउट आपका? जो फोर्थ वाला है सर, मैंने जो उसे सॉल्व करा जितना आपने बताया सर, हाँ तो जहाँ पे एक्स है वहां पे ए रख दूंगा। हाँ सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा सर जी। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, एक बार आप ध्यान से करना हो जाएगा। देखो आप इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा एक्स माइनस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये बचेगा, रूट हट जाएगा, और नीचे एक प्लस का बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी दो फैक्टर बचेंगे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, हो जाएगा आसानी से। ये देखो बस कैलकुलेशन ध्यान से करने पड़ी, ब्रैकेट का माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का भी और प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा एक्स माइनस ए, और नीचे एक्स माइनस ए ऑलरेडी है वो कैंसिल हो और एक्स जाएगा। प्लस ए है, हाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और सिर्फ एक नीचे क्या बचेगा आपको, प्लस वाला जो पहले था, रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और ये रूट ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक्स की जगह ए रख दोगे तो ये बनेगा वन अपॉन टू ए, और उसके प्लस वाले में अब यहाँ पे एक्स की जगह ए रखेंगे जब अपन, तो ये देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी तो अच्छा कैंसिल, हाँ ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ए माइनस बी, ओके सर। ए आ रहा है। और अब आप सर तो फिर अपना ट्राई हो जाएगा मेरे हिसाब से, फिफ्थ वाला भी आप खुद से करना, ठीक है, अब एक बार ट्राई करना। तो इसमें भी रैशनलाइज ही करेंगे हाँ ना रैशनलाइज, इसमें रैशनलाइज ही करना है आपको। चलो इसमें, पहले हाँ सर, माइनस मिलेंगे जैसे वो रूट एक्स दे रखा, तो माइनस में रूट एक्स नहीं नहीं लेंगे। नहीं नहीं इसको नहीं करेंगे, नीचे देखो ये माइनस है ना, तो इसके प्लस वाले से करोगे। ओके सर, मतलब न्यूमरेटर को ना करके डिनोमिनेटर को करेंगे। हाँ ओके सर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, ये किए थे अटेम्प्ट कि नहीं किए थे? सर सेकंड, इसका सेकंड और बता दो सर जी, वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है थोड़ा। नहीं लग नहीं रहा, अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था? लगने में तो सब कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बाकी ये भी अटेम्प्ट करना। तो अगर अटेम्प्ट करना नहीं बाकी है बच्चों, तो एक बार अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कशन करने का फायदा है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दूंगा तो मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में डेंजरस नहीं, मतलब ऐसा मत सोचना कि दिखने में अजीब दिख रहा है तो पूछ लेते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो पूछो, या फिर अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं आज के चांस और दे देता हूँ, आज की क्लास में और अटेम्प्ट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।
यस सर, ठीक है। तो आज एक बार और ट्राई करना, मैं एक दिन और दे रहा हूँ आपको, ये जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो पिछली क्लास में मैंने दिए थे आपके ग्रुप में शेयर कर दी थी पीडीएफ, तो उसमें से आप अटेम्प्ट करना सब लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में एक बार अपन अच्छे से इसका डिस्कशन कर लेंगे। अब अपन आज स्टार्ट कर देते कंटिन्यूटी के साथ। एक मिनट में, बस एक मिनट में दे दो मुझे। अच्छा मुझे बताओ कंटिन्यूटी के बारे में बेसिक पता है आपको क्या होता है कंटिन्यूटी? यस सर, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सर, जहाँ पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ एफएक्स इक्वल होते हैं सर, वो कंटिन्यूटी कंडीशन को फॉलो करता ओके। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी स्टार्ट कर देते हैं अपन। किसी को भी कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख देना। है सर। आपकी वॉल्यूम स्लो आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज स्लो आपकी। आ रही है। ठीक है, हेलो, अब आ रही है? यस यस सर। ओके ओके ठीक है। किसी को कोई डाउट आए चैट बॉक्स में लिख देना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही मेरी? नो नो सर, सर अभी तो नहीं दिख रही। नहीं अब सर, दिखेगी? अभी भी देखी? एक सेकेंड। आजकल ये पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है गूगल मीट में। मैं एक में वापस कर लेता हूँ। एक मिनट बच्चों, बस तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने लिमिट्स के बारे में अच्छा खासा जान लिया था। अब कंटिन्यूटी क्या होता है उसको हमको समझना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ से समझा रहा हूँ इसको फटाफट। जैसे मान लो एक ग्राफ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, पिछली क्लास में भी मैंने किया था। मान लो एक ये है, ऐसा है, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट ले, मान लो ये एक्स इक्वल टू वन है, ये एक्स इक्वल टू टू, ये वाला पॉइंट एक्स इक्वल टू थ्री, और ये करस्पॉन्डिंग एक्स इक्वल टू फोर, ठीक है। तो जब हमने लिमिट्स की बात करी तो लिमिट्स में हमने सीखा था, जैसे मान लो ये पॉइंट, ये इसके करस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यू है, एक साथ में लिख देता हूँ फाइव, और ये वैल्यू है मान लो सेवन। तो आप मुझे बताओ एट एक्स इक्वल टू वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? फाइव, सर वन फाइव फाइव। और राइट फाइव राइट हैंड लिमिट सेवन सेवन। सेवन। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू वन एफ एक्स कितना आएगा? सर कितना एग्जिस्ट आएगा? हेलो, नहीं करेगा, हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर? निकाला था आपने एलएचएल आरएचएल। हाँ, एल एच एल आर एच एल कैसे निकाला? देखो, वन से कम में पॉइंट कौन सा आएगा फंक्शन पे? ये वाला। और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही? फाइव की तरफ। और यस वन से सर, थोड़ा सा ज्यादा, वन से थोड़ा सा ज्यादा अगर देखोगे तो फंक्शन, वन से थोड़ा सा ज्यादा इस एक्स के करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आएगा? ये वाला। और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? सेवन की तरफ। इसलिए एल एच एल लेफ्ट हैंड, वन से थोड़ा सा पहले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइव आएगी, वन से थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? सेवन, क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब बताओ इस ग्राफिकली क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस वन पे? डिस्कंटिन्यूअस। डिस्कंटिन्यूस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कैसा होगा? डिस्कंटिन्यूस। डिस्कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा होगा? डिस्कंटिन्यूस, पहली कंडीशन, क्लियर है? अब सेकंड पे आ जाते हैं, एक्स इक्वल टू टू पे। तो एक्स इक्वल टू टू पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है और राइट हैंड लिमिट कितनी है? फाइव हाँ, फाइव अब फाइव फाइव। टू के आसपास, टू के थोड़ा सा पहले या टू के थोड़ा सा बाद, दोनों ही साइड से फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? फाइव की तरफ अप्रोच कर रहा है ना? यस तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इतनी आएगी फाइव, मतलब लिमिट की वैल्यू फंक्शन, मतलब इस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की? फाइव के फाइव। बराबर। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइव के बराबर है। अच्छा मैं आपको ये पूछता कि फंक्शन की वैल्यू टू पे कितनी है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या फिर डज नॉट नॉट एग्जिस्ट, एक्सिस्ट। है ना? तो यहाँ पे अच्छा आप बताओ टू पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? डिस्कंटिन्यूअस। डिस्कंटिन्यूस क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है? डिस्कंटिन्यूस आ रहा है। तो मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो भी फंक्शन मेरा कैसा होगा? डिस्कंटिन्यूस। कैसा हो जाएगा? डिस्कंटिन्यूस। तो ये सेकंड रीजन हो गया डिस्कंटिन्यूटी का। पहला रीजन क्या था, अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन डिस्कंटिन्यूस होगा। सेकंड रीजन कि अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन नहीं तो भी फंक्शन मेरा क्या होगा? डिस्कंटिन्यूस। आइए देखते हैं थर्ड सर वाला। तो हाँ बोलो। जी, जैसे ये जो सेकंड वाला आपने बताया, इसे तो सर वो LHL और RHL और वो लिमिट तो तीनों इक्वल आ रहे हैं सर जी, तो ये तो कंटिन्यूअस हाँ, फंक्शन है लिमिट सर। एग्जिस्ट कर रही है,
हाँ नहीं लिमिट एग्जिस्ट करी, फंक्शन की वैल्यू कहाँ है, फंक्शन की वैल्यू टू पे देखो कहाँ आ रही है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू टू पे डिफाइंड नहीं है, है ना। तो लिमिट अभी मैं आगे बताऊंगा, लिमिट एग्जिस्ट कब मतलब कंटिन्यूस कब होगा वो मैं आगे बताऊंगा, पर यहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप क्लियरली, यहाँ पे ऐसे ग्राफ जाएंगे फिर अपन पेन को लिफ्ट करेंगे फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करते टाइम अगर अपना पेन लिफ्ट हो रहा है मतलब फंक्शन क्या है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब थ्री पे आते हैं, तो थ्री पे अगर मेरे को बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी थ्री पे, सेवन। देखो थ्री के आसपास फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा था, थ्री के आसपास, थ्री के थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बाद में, दोनों ही केस में फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है सेवन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिमिट की वैल्यू सेवन आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू थ्री पे बताओ कितनी आएगी, फाइव। हाँ वेरी गुड, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है लेकिन किसके बराबर है, फाइव के बराबर है। ये देखो पॉइंट थ्री पे डार्क सर्कल यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिमिट और फंक्शन ये इक्वल है क्या, नहीं no. Does not equal, और यहाँ पे फंक्शन कैसा है discontinuous, तो ये discontinuity का थर्ड रीजन हो गया मेरा, कि अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है तो भी फंक्शन मेरा कैसा होगा discontinuous, तो भी फंक्शन yes, कैसा होगा मेरा discontinuous, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Okay, very nice. और lastly at x equal to 4, तो x equal to 4 पे अगर आप बताओगे तो लिमिट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी 4 पे, सर लिमिट does not exist, नहीं 4 पे सर 5 5 आएगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही केस में क्या आ रहा है 5 के बराबर, फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी आ रही है वो भी 5 5 दोनों इक्वल आ रहा है, तो यहां पे फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, कंटीन्यूअस के डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। ये मेरा फंक्शन क्या क्या कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या बताई गई कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस है मतलब वहां पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों के दोनों क्या आनी चाहिए सेम, अगर ये दोनों के दोनों सेम आ रहा है मतलब फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस, बाकी तीनों केस में फंक्शन क्या आएगा डिसकंटीन्यूअस। हां हेलो वापस बोलो क्या कह रहे हैं? अच्छा एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालो, मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉइंट के हिसाब से निकालो, जैसे मान लो ये x इक्वल टू 4 है तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी आ रही है, ये फंक्शन है एफ एक्स वाई, एफ एक्स इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है और उसके आसपास और 7 आ रहा है, थ्री पे तो सर 7 आ रहा है, नहीं x इक्वल टू 3 पे ये यहाँ पे सर्कल है ना, देखो ये x इक्वल टू 3 पे यहाँ पे ओपन है, फंक्शन की वैल्यू 5 है बट उसके आसपास फंक्शन की वैल्यू 7 है, हाँ इसके आसपास फंक्शन की वैल्यू 7 है लेकिन उस एग्जैक्ट पॉइंट पे x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही ना, ओके सर, ओके ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे ये ग्राफ फाइनली समराइज कर दिया है, तो आप अगर यहाँ देखोगे फर्स्ट केस सेकंड केस और थर्ड केस तीनों ही केस में फंक्शन क्या आ रहा है डिसकंटीन्यूअस, पहला कहा था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पहला रीजन लिमिट Does not exist, clear है? यहाँ पे yes, function की value define नहीं थी, function की value define नहीं थी, और third case में limit और function की value आपस में equal नहीं थी, इसलिए ये तीनों case में function क्या आया? Discontinuous आया, और last वाला case मेरा क्या है? Continuous, ठीक है? तो ये continuity के, discontinuity के तीन reason हो सकते हैं, ठीक है? अब continuity की क्या definition बोली? A function fx is said to be continuous at x equal to c if उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर सेम होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर सेम है तो फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, क्लियर है? मतलब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये दोनों के दोनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, और एक फाइनाइट क्वांटिटी अगर आ रही है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा डिसकंटीन्यूअस, क्या क्लियर है? यस सर, ओके बहुत बढ़िया, चलो सर तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने बता दिए, चलो एक सेकेंड ये वाला कर लेते क्वेश्चन। अब बताओ x इक्वल टू 1 पे मुझे चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1, तो बताओ x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी हमें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 पे हम चेक कर रहे हैं 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 तो 1 से कम में कौन सा आएगा, ये वाला x लेस देन 1, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है ये, तो माइनस 2x प्लस 3, तो यहां पे अगर लिमिट निकालेंगे तो कितनी आएगी बच्चों, x की जगह 1 रख सकते हैं यहां पे डायरेक्ट सर, हां तो 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 1, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में
वन प्लस मतलब ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह वन रख देंगे तो वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू देखो वन पे, यहाँ पे ये रहा इक्वलिटी का साइन, यहाँ पे एक्स की जगह वन रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू वन पे क्या आएगी, वन का स्क्वायर देखो इस वन, क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं? यस सर, फंक्शन कंटिन्यूअस, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, चल फटाफट मुझे बता दो टू पे ये वाली कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, सर डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस आ रहा है, अच्छा ठीक है, बाकी लोग डिसकंटिन्यूस। सर ये ग्राफ थोड़ा नीचे, सर थोड़ा क्वेश्चन को नीचे करना, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करना, ऊपर चला गया क्वेश्चन, यार ये स्लाइड शायद नीचे नहीं होगी, क्या ऑलरेडी सेव्ड स्लाइड, मैं लिख देता हूं आपके लिए वापस नीचे, सर डिसकंटीन्यूअस ही है ये, डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, तो ये ऊपर -2x दिया है, नीचे दिया है x2 - 4x + 1, ठीक है, ये x less than equal to 2, ये x greater than 2, तो देख लेते हैं बच्चों फटाफट, बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी -4, राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, x को 2 रख दोगे तो कितना आएगा यहां पे -3, तो clearly limit exist नहीं कर रही, left hand limit not equal to right hand limit, hence the function is discontinuous. सर हाँ बोलो सर, इसमें पता चल जाए कि discontinuous, तो अगला step करना है fx निकालना जरूरी होगा सर function, ना ना अगर limit exist नहीं कर रही तो अपन आगे करने की जरूरत ही नहीं है, अगर limit exist नहीं कर रही तो मैंने आपको पहले ही reason बताया था कि अगर limit does not exist then the function is what, discontinuous, है ना, वो बताया था मैंने कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, तो आगे अपन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो यहां तक दिक्कत है कोई, और कोई दिक्कत तो पूछ लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नो सर, नो सर, ओके ठीक, एक सेकंड मैं आप, अच्छा आपका बैच फोटोन 2 है कि कैटलाइजर वाले हो, कौन सा, फोटोन 2, फोटोन है, ओके ओके ठीक, ठीक है बच्चों यहाँ तक कोई समझ में आया ना आपको, चलो आगे की थ्योरी में कवर कर लेता हूँ एक सेकेंड, तो कभी भी बस कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करनी है, ग्राफ नहीं पता है तो बिना ग्राफ के कैसे चेक करेंगे, कि हम लिमिट निकाल लो और लिमिट निकाल के फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, अगर दोनों इक्वल आ रही मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम, एक डेफिनेशन, में आगे क्वेश्चन और लूंगा अभी आपके लिए, पर अभी तब तक पहले कुछ थ्योरी कवर कर लेते हैं अपन, अब ओवरऑल अब यहाँ पे मैंने अब तक क्या बात करी, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, यहाँ तक अपने क्या डिस्कस कर रहे थे, किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा ये आपको पता चल गया, अब ओवरऑल अगर कंटिन्यूटी की मैं बात करूँ तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस के बारे में डेफिनेशन क्या लिखी गई, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक्चुअली, क्या थ्योरम बोली गई है आपके एनसीईआरटी में भी अच्छे से गिवन है इस थ्योरम के बारे में, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन अपनी डोमेन में, अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस है तो ओवरऑल भी उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे, अगर कोई फंक्शन जो वैल्यू पुट की जाती है ना, हाँ डोमेन मतलब वही कि जिसमें अपन x की वैल्यू जो जो अलाउड है, जैसे मान लो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जैसे मान लो y इक्वल टू लिया मैंने 1/(x-3), तो बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, x की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ ऑल रियल नंबर x, ये इसकी क्या हो गई डोमेन हो गई, ये इसकी क्या हो गई डोमेन, ठीक है बच्चों, अब मान लो इसका मैं ग्राफ, चलो इसी का ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो बस x की जगह 3 रख नहीं सकता इसमें, तो 3 के अलावा सब कुछ रख सकते हैं अपन, तो 3 के आसपास, क्योंकि अगर 3 रखा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, 3 से थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा, मान लो 3.0001 रखा तो ये बहुत लार्ज वैल्यू आएगी इनफाइनाइट की तरफ, तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा इनफाइनाइट ऐसा शायद कुछ आएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये इसका ग्राफ है बच्चों, ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका ग्राफ ही रहा, ये x इक्वल टू 3 है, तो आप क्लियरली अगर देखोगे तो 3 पे अगर ग्राफिकली में देखो x इक्वल टू 3 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है सबको, है ना, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, लेकिन उसके अलावा क्या हर जगह कंटिन्यूअस है, yes. उसके अलावा कोई भी x ले लो, उसके अलावा कोई भी x पे हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि व्हाट इज द चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 1/(x/3) जिसकी डोमेन ये रही, तो यहां पे मैं इसका आंसर क्या दूंगा, द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन,
fx is continuous in its domain. क्या समझ में आया सर? एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। फंक्शन के बारे में ये बोला गया था कि कोई भी फंक्शन को ओवरऑल अगर कंटिन्यूस पूछा है कि भैया जैसे मान लो 10x हो गया, sin x हो गया, cos x हो गया, फिर कोई भी फंक्शन तुम्हें दे दिया और उसके बारे में पूछा कि भैया ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तो उसकी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करने के लिए उन्होंने ये समझाया कि अगर कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूस आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, अगर उसकी डोमेन में, उसकी डोमेन मतलब उसकी जो x की वैल्यू जो जो भी अलाउड है उसकी डोमेन के हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूस है तो ओवरऑल फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओवरऑल फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस। अब जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राफिकली तो मुझे दिख रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, लेकिन x इक्वल टू 3 इसकी डोमेन में आ रहा है क्या? ये पॉइंट इसकी डोमेन में नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना। तो इसके अलावा हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है, तो हेंस ये फंक्शन को भी क्या बोलूंगा मैं, कंटिन्यूस बोलूंगा। सेम y इक्वल टू 1 बाय x के लिए भी, y इक्वल टू 1 बाय x का भी ग्राफ आप अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है, ऐसे ही होता है, सेम जीरो पे बस ऐसा ब्रेक हो जाता है। तो x इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में नहीं है, x इक्वल टू 0 इसकी डोमेन में नहीं है, तो इसके अलावा हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल भी ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हाँ बोलो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डोमेन हो है कि नहीं है, मतलब वैल्यू पुट करके रखना पड़ेगा? हाँ, डोमेन आपको या तो क्वेश्चन में देंगे या फिर आपको खुद से पता करना पड़ेगा, डोमेन निकालना पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं 10x की बात करूं, y इक्वल टू 10x, तो क्या आप 10x की डोमेन बता सकते हो, x की वैल्यू क्या क्या रहती है? जीरो, जीरो डिग्री। नहीं, डोमेन y इक्वल टू 10x जो फंक्शन होता है उसमें ऑल रियल नंबर रखते हैं, एक्सेप्ट क्या करते हैं अपन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू एंड पाई, ये डोमेन होती है ना 10x की। 11th में था ट्रिग्नोमेट्री में, 10x में अपन पाई बाई टू के अलावा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के अलावा सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि 10 10 पाई बाई टू पे क्या इनफाइनाइट नॉट डिफाइन जाता है। ठीक है, हाँ, अब बोला गया कि भाई 10x क्या 10x कंटिन्यूस फंक्शन है, ये पूछा गया, तो बताओ क्या बोलोगे? सर नहीं है सर। नहीं है, हाँ, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से है। है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे कंटिन्यूअस होते हैं, क्यों? डोमेन में है तो होगा कंटिन्यूअस। हाँ, उसकी डोमेन में, उसकी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ना, तो यही तो बोला गया, इसलिए इन्होंने देखो थ्योरम है ये एक्चुअली, तो थ्योरम को एज अ रिजल्ट आपको यूज करना है। क्या रिजल्ट है थ्योरम की, कि अगर इसकी डोमेन के हर पॉइंट पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो ओवरऑल फंक्शन को भी मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस बोलूंगा। तो इसका अगर आपका ग्राफ बना के दिखाऊं मैं, देखो ये 10x का ग्राफ होता है, ठीक है, तो पाई बाई टू और पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल को छोड़ के हर जगह कंटिन्यूअस है फंक्शन, देखो है ना, ये वाला पॉइंट मेरे डोमेन में है ही नहीं, तो इस पे मुझे देखना ही नहीं, इसके अलावा हर जगह फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, तो हेंस 10x इज आल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है? तो ना बस सिंपल हिंदी भाषा में देखो ये समझो आसान भाषा में, कि अगर फंक्शन अपनी डोमेन के, उसकी डोमेन के हर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस है तो ओवरऑल भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, बस ठीक है। अब देखो तुम्हें जनरली क्वेश्चन में दे देंगे ऐसे, ऐसे, ऐसे इस तरह से डिफाइन करेंगे fx इक्वल टू, जैसे मान लो ये दे दिया, अगर डोमेन नहीं, जैसे मान लो इसको ऐसे मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx, क्या बोला गया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx, तो बताओ क्या fx कंटिन्यूस होगा? यस सर, होगा, हाँ, ठीक है, यहाँ पे x क्लियरली बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 2, क्या बोल दिया, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो x अगर 2 के बराबर नहीं है तो इसको अपन सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ऊपर के फैक्टर क्या बनेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे क्या बनेगा, x माइनस 2, तो क्लियरली अगर x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो मतलब ये वाला फैक्टर में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास बचेगा क्या, x प्लस 2, विच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर आपको मान लो मेंशन नहीं करेंगे, अगर आपको मान लो मेंशन नहीं कर दिया, सिविता से पूछा कि ये मान लो फंक्शन है तो चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, सिविता बोलते हैं, और ये मान लो fx देते बोलते कि चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, अब बताओ क्या x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, डोमेन ही नहीं है, हां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। वैसे अगर मैं बोलता कि 10x जो है पाई बाय 2 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं मैं, उसकी डोमेन में फंक्शन हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है इसका, है ना, आपको एक बार आप सर, एक काम करना है, -5 को x + 2 x - 2 लिख के x - 2 काट करके नहीं कर
हाँ अब यहाँ पे क्या अपन अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर ये अपन कैंसल आउट नहीं कर सकते, या अगर मैं कैंसल आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा अजम्पशन क्या एक्स नॉट इक्वल टू टू, तभी मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? जीरो बाई जीरो कैंसिल करके अपन वन लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो ये वाला फैक्टर कभी भी हम कैंसिल अगर कर रहे हैं तो अपना अजम्पशन क्या मान रखे एक्स नॉट इक्वल टू टू, अगर ये नहीं दिया तो हम कैंसल आउट भी नहीं कर सकते इसको। क्लियर है? सर मॉड्यूलर साला समझा मैं आपको दे। बताता हूँ एग्जांपल लेके। हाँ मॉड्यूलर कुछ नहीं, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है तो इसका ग्राफ आपको पता है कैसा होता है? यस सर, वी शेप, वी कर्व का। हाँ ऐसा वी, हाँ ऐसा होता है ये वाला, वेरी गुड। या फिर इसको अगर आप बनाना भी चाहो तो देखो ये से डिफाइन होता है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्स का एक्स रहता है, एक्स अगर नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स ओपन होता है। तो पॉजिटिव के लिए y इक्वल टू x वाली लाइन रहती है और नेगेटिव के लिए y इक्वल टू क्या रहती है? माइनस x वाली लाइन। तो ये ऐसा ग्राफ है इसका। तो क्या ये तो क्लियरली कंटिन्यूअस दिख रहा है? इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी इसमें अपन तो ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। मॉड x में अपन y x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? सारी वैल्यू रख सकते हैं ना, रियल नंबर। हाँ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल, और दिख भी रहा है ग्राफिकली भी क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है? ओके हाँ। अगली थ्योरम बच्चों, अगली सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि मान लो कोई फंक्शन f है, कोई दूसरा फंक्शन है g, एक फंक्शन है f दूसरा फंक्शन है g, अगर f कंटिन्यूअस है और g भी कंटिन्यूअस है x इक्वल टू c, ठीक है? मान लो f और g दो फंक्शन है ना, f और g क्या है? दो फंक्शन, और दोनों की दोनों ही कंटिन्यूअस है x इक्वल टू c, ठीक है? तो उन्होंने ये बोला है अगर f भी कंटिन्यूअस है g भी कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन f प्लस g, हाँ उनका डिफरेंस f माइनस g, उनका प्रोडक्ट और उनका डिवीजन प्रोवाइडेड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, और किसी k से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा? कंटिन्यूस ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अगर कंटिन्यूस है मतलब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड है तो मतलब ऐड करने पे भी तो फर्क थोड़ी कुछ पड़ेगा। तो बस ये बेसिक थ्योरम ध्यान रखना कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स अगर वो कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन जी एक्स भी अगर कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस साइन एक्स, ये दो तरह के फंक्शन दे दिए और बोला कि इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करो, तो आपको अगर बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बोर्ड्स में लैंग्वेज कैसे लिखनी पड़ेगी कि सिंस ये साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या होता है? कंटिन्यूस होता है अपनी डोमेन में, और ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस, ये भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ये भी थ्योरम आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस। तो एफ एक्स भी कंटिन्यू, मान लो ये एफ एक्स हो गया, या फिर इसको मान लो कुछ जी एक्स नाम देते हैं, ये एफ एक्स नाम देते हैं, इसको नाम एच एक्स दे देते हैं, तो ये कंटिन्यूस ये कंटिन्यूस, तो इनका एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। सर कितने नंबर ये तो ज्यादा नहीं, दो या तीन, एक दो नंबर का ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, बस लैंग्वेज प्रॉपरली लिख लेना। आपके एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हाँ ज्यादा नहीं आएगा, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा दे देंगे बस, लैंग्वेज अच्छे से लिख दे। दो अलग अलग फंक्शन दे दिए सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, जैसे मान लो एक ये भी दे दिया फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस टू और ऊपर दे दिया सेक एक्स, है ना, तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बोला कि x इक्वल टू वन पे बताओ ये फंक्शन, या फिर कुछ भी x इक्वल टू पाई बाई टू पे बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर वाला कंटिन्यूस है पाई बाई टू पे, नीचे वाला भी कंटिन्यूस है पाई बाई टू पे, और जीरो के बराबर नहीं, तो हेंस ऊपर और नीचे फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? पर डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं इसमें। हाँ वैल्यू भी रख सकते हो, बाकी अगर एक तरीका ये भी अगर लैंग्वेज फॉर्मेट पे लिखना होता हूँ, एक बस एग्जाम्पल लेने के लिए समझाया मैंने, क्योंकि बोर्ड्स में कभी आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। सर अगर कोई ऐसा फंक्शन लिया जो जिन दोनों को ऐड करने पे या फिर सबट्रैक्ट करने पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी gx की, सर उस पे कोई कमेंट, क्या कमेंट कर सकते हैं हम? नहीं जीरो होने पे कोई दिक्कत थोड़ी है, नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, fx अलग है gx अलग है, x को अगर कुछ रखने पे दोनों अगर वैल्यू जीरो हो रही तो उससे दिक्कत क्या है? मैं आपको तो बस इतना ध्यान रखना है अगर मान लो fx और gx दो फंक्शन है, x इक्वल टू c पे दोनों इंडिविजुअली अगर उस x इक्वल टू c पे कंटिन्यूस हो रहे हैं तो उसको ऐड करने पे भी वो x इक्वल टू c पे वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। उसको सब्सट्रैक्ट करने पे भी x इक्वल टू c पे वो क्या होगा? कंटिन्यूस। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। अगर दोनों में से किसी एक नहीं हुआ, एक हुआ तो डिसकंटीन्यूअस आएगा फिर? नहीं नहीं ये नहीं बोल सकते, ये आपको फिर भी चेक करना पड़ेगा कभी कभी कोई स्पेशल फंक्शन। अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ध्यान से सुनो। ये मान लो ये जनरली बच्चे गलती करते, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स दे दिया
दूसरा फंक्शन जी एक्स दे दिया। अब मान लो एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो क्या इनका प्रोडक्ट हमेशा डिसकंटिन्यूस आएगा क्या, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अलग अलग। अब इसको अपन चेक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लेना है तो सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रुको ध्यान से। मान लो एक एक्स ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने GIF of x, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले सकते हो या फिर FPF। एक सेकंड, एक डिसकंटिन्यूस है ना, ठीक है चलो ये ले लिया। लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, x into greatest integer of x, ठीक है। तो मान लो x equal to 2 पे, x equal to 1 पे मुझे चेक करना है, ठीक है। तो 1 पे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस ही आएगा, है ना। 1 प्लस पे करोगे तो, और 1 माइनस पे, दोनों पे लिमिट क्या आएगी, अलग अलग आएगी, है ना। यस सर, ठीक है। एक सेकंड, में दूसरा एक और था फंक्शन, अच्छा वो तो डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा, हाँ ठीक है। अच्छा बताओ, क्या अपन बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस ही होगा, सोच के देखो। नहीं सर, नहीं कह सकते, हमेशा नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि कभी कभी जैसे मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, वो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन मान लो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना बच्चा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं आप आगे जाके एग्जाम्पल डिफरेंशिएबिलिटी में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, डिफरेंशिएबिलिटी में आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है चलो। सर वो तो कस्प वगैरह वाले सीन में होता होगा ना, जहाँ पे कस्प या फिर कॉर्नर बन रहा होगा। हाँ, कॉर्नर बन रहा है या फिर यहाँ पे वो बन रहा है, वो आगे डिटेल में देखेंगे जब समझूंगा मैं आपको, ठीक है चलो। यहाँ पे आप बताओ मुझे बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये चार फंक्शन ले लिए। पहला फंक्शन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और कुछ भी बोला नहीं है। दूसरा फंक्शन आपके सामने ये है, तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है अपन को, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान से करो। तो फर्स्ट वाले के बारे में क्या बोलोगे सर? कांट से लिमिट नहीं ले कंटिन्यूस सर, कुछ नहीं कह सकते। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे सर? लिमिट की वैल्यू में आया सर, पहले कंडीशन मिलनी चाहिए ना, x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। यस सर, एग्जाम में आपके जैसे एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये 5.1 में ऐसा एक क्वेश्चन है शायद, मेरे को जहां तक ध्यान है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आते हैं ना बच्चों, तो इसकी लैंग्वेज लिखने का तरीका सीखो, मैं बताता हूं। देखो fx आपको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप क्लियरली अगर देखोगे x इक्वल टू माइनस 1 पे फंक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं। हेलो, हाँ क्या कह रहे हो? फैक्टर नहीं बनाएंगे इसको? हाँ फैक्टर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, डोंट वरी। पर पहले समझो इस बात को कि x इक्वल टू माइनस 1 पे फंक्शन क्लियरली क्या दिख रहा है, नॉट डिफाइन दिख रहा है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे केसेस लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने लिया केस फर्स्ट, एग्जाम में जो आएगा तो कैसे करना वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एट x इक्वल टू माइनस 1, इफ x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, अगर x की वैल्यू माइनस 1 नहीं है, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर माइनस 1 नहीं है तो अपन इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ऊपर वाले का फैक्टर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे वाले का फैक्टर ऑलरेडी यही है। अब अगर x की वैल्यू माइनस 1 नहीं है तो हम इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे fx क्या बच जाएगा मेरे पास, x माइनस 1। अब एक लीनियर फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस, ठीक है। और दूसरी लाइन इसको और अच्छे से अगर आपको लिखना, अगली लाइन में द fx इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, fx इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में ये लिख देना। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी हो जाएगी क्या, डोमेन ऑफ द फंक्शन विच व्हाट, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1, ठीक है, ये इसकी डोमेन है। तो हेंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, बट एट x इक्वल टू माइनस 1, एट x इक्वल टू माइनस 1 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, द फंक्शन fx इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हेंस at x equal to minus 1, at x equal to minus 1, the function is discontinuous. Clear है? ये boards में ऐसे लिख के आना। Yes sir. सिर्फ इतनी line लिखना कि अपने domain में तो ये function पूरा continuous है, अपने domain में जो जो point है वहाँ पे continuous है, लेकिन x equal to minus 1 पे since function defined नहीं, तो उस point पे function क्या होगा, discontinuous। यहाँ पे इतना क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन को x के बारे में कुछ दिया नहीं question में। अगर x के बारे में मेंशन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे x के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया कि x माइनस 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने दो केसेस बना लिया, फिर एक केसेस बना के अलग अलग इसको सॉल्व कर सकते। क्लियर है, समझ में आया सर? यस सर। ओके चलो, अब ये फटाफट सेकंड वाला बताओ, कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस?
लेफ्ट हैंड लिमिट वो वन के बराबर आएगी, एक्स को वन रख दोगे, यहाँ से निकलेगी राइट हैंड लिमिट, वहाँ पे भी एक्स को वन रखोगे तो वन के बराबर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू वन पे कितनी है टू, तो ये इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या बोलोगे डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, थर्ड वाला जो है वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है सारे इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है डिसकंटीन्यूअस, बाकी सब जगह कंटीन्यूअस होगा लेकिन इंटीजर पॉइंट पे क्या होगा डिसकंटीन्यूअस होगा। तो आप इसको चाहो तो कोई भी इंटीजर लेके देख लेना, लेट एट x इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो दोनों ही अलग अलग आएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर पॉइंट, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। लास्ट वाला बता दो, कंटीन्यूअस, इसका रीजन क्या लिख दोगे, सिंस इट इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन, द पॉलीनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटीन्यूअस। क्लियर? चलो, अच्छा मुझे ये बता पॉलीनोमियल फंक्शन किसको डिफाइन करते हैं, व्हाट आर पॉलीनोमियल फंक्शन, जो इसकी पावर सर हर नंबर डिग्रीज होती है। ना 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 ना, ये कोई जरूरी नहीं, सर पावर होल नंबर हो। वेरी गुड, पावर होल नंबर, बहुत बढ़िया। जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल की जितनी भी टर्म्स है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x की पावर 9 माइनस 8x क्यूब प्लस x की पावर 10 माइनस 8, ठीक है, ये मानो को फंक्शन लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे हर टर्म की पावर देखो, यहाँ पे पावर कितनी है वेरिएबल की 9, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 10, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट है, तो कितनी है 0, x की पावर 0। तो यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स आ, जितनी भी पावर्स आ रही है, सारी के सारी क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है, है ना। तो कभी भी अगर बेसिक डेफिनेशन यही है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि अगर किसी भी को भी पॉलीनोमियल फंक्शन कब बोलेंगे, जब उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी टर्म्स में वेरिएबल्स आ रहे हैं, उसमें वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉलीनोमियल हो जाएगा। क्लियर है सबको? हेलो, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है। तब कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखे हो, जैसे मान लो एग्जांपल लेके दिखाता हूं, सॉरी, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, फंक्शन को ले लिया fx equal to sin of x square minus 2, मान लो ये ले लिया, ठीक है, कोई फंक्शन ले लिया मैंने sin of x square minus 2, तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, और दूसरा एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो पॉलीनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हो। इसको कैसे बनाया गया होगा, मान लो एक फंक्शन जी एक्स कंसिडर कर लोगे sin x, दूसरा फंक्शन कंसिडर कर लोगे एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये फंक्शन को क्या लिखूंगा मैं, जी ऑफ एच एक्स, क्या लिखूंगा, जी ऑफ एच एक्स, मतलब जी के अंदर मैं अगर एच एक्स रखूंगा, तो जी मतलब जी एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 रख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो कभी भी अगर ऐसे फंक्शन आते हैं और इनकी कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करने को बोलते हैं कि भैया बताओ ये फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो इसको कैसे लिखना है, इसकी थ्योरम क्या बताई गई है, ध्यान समझना एक सेकंड, इसके लिए थ्योरम ये बताई गई है कि मान लो मुझे जी ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है एक्स इक्वल टू सी पे, किस पे, एक्स इक्वल टू सी पे। तो सबसे पहले तो एट एक्स इक्वल टू सी पे जो एफ एक्स है, एक्स इक्वल टू सी पे एफ एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, fx जो अंदर वाला फंक्शन है वो x इक्वल टू सी पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। पहली चीज तो यही चेक करोगे कि x इक्वल टू सी पे वो जो फंक्शन अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस हो गया उसके बाद आपको फिर क्या चेक करना है, सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे x को जगह c रख देंगे अंदर, तो अगर x की जगह c रख दोगे तो फंक्शन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ ऑफ सी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ ऑफ सी। अब जी के अंदर क्या जा रहा है, एफ ऑफ सी जा रहा है, जी के अंदर क्या जा रहा है, एफ ऑफ सी। तो x इक्वल टू एफ ऑफ सी पे एफ ऑफ सी कोई वैल्यू आएगी, x इक्वल टू एफ ऑफ सी पे ये जो जी एक्स है ये भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो अगर ये भी कंटिन्यूस है वो भी कंटिन्यूस है तो ओवरऑल जी ऑफ एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सर दोनों ही फंक्शंस को अगर मान लो सेपरेटली हम कर दें कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू c, और फिर बोल दें कि ये कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन है दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का, तो भी फिर हो सकता है ना प्रूव ऐसे। एक सेकंड, देखो इसमें दिक्कत क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये इसके बारे में बात करूं मैं, तो यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ x इक्वल टू वन पे, या फिर x इक्वल टू, हाँ चलो वन ले लेते हैं, तो x इक्वल टू वन पे तो पहले अंदर वाले की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना, तो अंदर वाला तो कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू वन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब x की जगह वन रख देंगे, तो x की जगह वन रखने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन,
फंक्शन वैल्यू किसकी आ जाएगी माइनस वन। तो अब जी के लिए मुझे वन पे नहीं चेक करना पड़ेगा, जी के लिए मुझे किस पे चेक करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, क्योंकि जी के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, माइनस वन जा रहा है ना, जी के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, माइनस वन जा रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं, ये समझ में आया आपको? साइन इनवर्स ये देखो, मतलब देखो एक्स को मैंने वन रखा, तो एक्स को वन रखने पे अंदर वाले फंक्शन की मैंने कंटिन्यूटी चेक करी, तो एक्स को वन रखने पे ये फंक्शन की वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो ये माइनस वन पे मुझे चेक करना पड़ेगा साइन एक्स कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। मतलब एफ ऑफ सी पे, एक्स इक्वल टू सी पे नहीं करूंगा, सेकंड बार बाहर वाले फंक्शन के एफ ऑफ सी पे हम करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं लूंगा अभी आप, और दूसरा अच्छा है कि आप सबसे पहले, अगर मान लो आज टाइम नहीं बच पाया, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं ले पाया, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं इसी थ्योरम के ऊपर, लास्ट में 5.1 की एक स्टार्टिंग के पहले ही दिए हुए, तो आप एक बार ढंग से जाके एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी में जितनी भी थ्योरम से कंटिन्यूटी से रिलेटेड उनको आप प्रॉपरली रीड करना और 5.1 जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये वाला कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मत देखना बच्चों अगर नहीं देखो तो, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, चलो देख लेते हैं फटाफट, फिर ट्राई करो एक बार। देखो यहाँ पे ऊपर दिया है साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू, और नीचे दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर इसकी बोला कंटिन्यूस है कि नहीं है एक्स इक्वल टू वन पे, तो आप क्लियरली देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब निकाली गई तो दोनों के दोनों क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही, सेम वन पे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एक्स को वन रखोगे साइन पाई बाई टू भी वन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना होगा वन, और फंक्शन की वैल्यू भी वन पे कितनी होगी वन, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये तो आसान था एग्जांपल, चलो ये कर लेते हैं, ये ट्राई कर लो। बोला है कि पाई बाई टू पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो कोई भी एक लिमिट निकाल के देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट, आसान है ज्यादा टफ नहीं है। नहीं नहीं एक्स के साथ, जैसे लिमिट निकालेंगे अपन लेफ्ट, देखो यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू पाई बाय टू पे लैम्डा इस ये आ रही है, पाई बाय टू पे आ रही है, तो लिमिट की वैल्यू भी उसी के बराबर आनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय टू पे लैम्डा है तो लिमिट की वैल्यू भी, अगर वो ही आ गई तो निकाल ले, तो लिमिट की वैल्यू निकाल लो, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, ठीक है देख ले, cos x जीरो आ रही है, 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos 2x, अरे डबल एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे ना 1 प्लस cos 2x पे, हां लगा दो तो कोई भी तरीका अपना दो, 1 प्लस cos 2 थीटा सर, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर a प्लस b माइनस b लगा करके उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई कर लो फटाफट सर, या फिर ऐसे नहीं कर सकते जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे पाई बाई टू रख के कर लेंगे, अरे 1 बाई टू वैल्यू आ रही है LHL पे, x की जगह का पाई बाई टू रखोगे बच्चे तो ऊपर तो क्या बन जाएगा जीरो, और नीचे बन जाएगा भी जीरो, जाए पाई बाई टू रखेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है ना, तो डायरेक्ट पाई बाई टू नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे cos पाई बनेगा, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा सर, इसका आंसर 1 बाई टू है, ठीक है ठीक है। बाकी लोग इसने ट्राई नहीं किया फटाफट ट्राई कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ, जीरो बाय जीरो गलत है, नहीं नहीं जीरो बाय जीरो गलत नहीं, जीरो बाय जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ओके सर, हाँ हाँ लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है ना, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखो वन प्लस कॉस टू थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद हो क्या होता है, याद है? यस सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी ये पूछ रहा हूँ, तुम क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है, और ऊपर क्या दिया है 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आइडेंटिटी लगा दूं इसमें तो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो ये 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाई टू रख देंगे तो साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2, सही है ना, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी मुझसे,
ठीक है, तो हो जाएगा 1 by 2 into 2, तो ये 1 by 4 आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर, हाँ सही सही है, ठीक है 1 by 4 आ रहा है। ओके सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हो, इसको कैसे सिंपलीफाई करो, ये देखो यहाँ पे पाई बाय टू रखने पे क्या हो रहा है, जीरो बाय जीरो बन रहा है क्या ये भी सर? इसको कैसे करेंगे, इसकी लिमिट चलो निकालो आर एच एल, नीचे वाले को रेशनलाइज करके। हाँ नीचे वाले को रेशनलाइज करना है, रूट माइनस टू है तो इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है नीचे वाले को रेशनलाइज कर दोगे सब लोग, देखो यहाँ पे माइनस में ना, अरे क्या हो गया, हाँ यहाँ पे माइनस में तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो रूट प्लस टू से मल्टीप्लाई और रूट प्लस टू से डिवाइड, तो नीचे देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बाहर वाला रूट हट जाएगा है ना, तो नीचे देखो क्या बनेगा, बाहर वाला रूट हट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर मतलब ये सर 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स माइनस वाई, हाँ माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब माइनस का फोर्थ, और ऊपर में तुम्हारे पास 2 एक्स माइनस पाई पहले से पड़ा हुआ है और एक प्लस वाला जो तुमने रेशनलाइज का प्लस का किया है वो पड़ा रहेगा, क्लियर है? तो देखो ये 4 और 4 चला गया और ये फैक्टर भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा 4 प्लस रूट ऑफ 2 एक्स माइनस पाई प्लस 2 ये बचेगा। अब यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे पाई बाई टू, x की जगह पाई बाई टू रख दोगे तो पाई बाई टू, देखो ये पाई माइनस पाई तो जीरो हो जाएगा, रूट फोर टू तो टू प्लस टू कितना हो जाएगा फोर, ये फोर ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, नीचे ऊपर आएगा कि नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है सर, ऊपर आ रहा है ना, और देखो तो मतलब राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है फोर आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी अपनी वन बाय फोर, हाँ तो यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं सर। तो आंसर क्या आएगा कि देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है क्लियर है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा सर, नीचे वाले को, नीचे वाले को क्या कह रहे हो वापस पूछो सर, डिनोमिनेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में, अच्छा ये वाला इसमें रैशनलाइज किया मैंने, देखो यहाँ पे रूट माइनस था ना तो इसको रैशनलाइज किया मैंने, क्या किया रैशनलाइज, ये माइनस था ना तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये समझ में आया पहली स्टेप? हाँ सर ये तो हो गया सर, ये आ गया, आप देखो रूट माइनस टू रूट प्लस टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो बाहर वाला जो बड़ा रूट है ये हट जाएगा, पूरा हट जाएगा, हाँ पूरा पूरा यहाँ तक है ना, यहाँ तक ये पूरा रूट हट जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब दो रूट दिए तो दोनों रूट हट जाएंगे, दोनों नहीं सिर्फ बाहर वाला तो हटाया मैंने, अंदर वाला थोड़ी हटाया, देखो अंदर वाला तो रहेगा सिर्फ बाहर वाला रूट हटेगा। ओके सर, हाँ सर एक से आंसर आता दूसरा निकालना जरूरी होता है? हाँ जरूरी है, देखो यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? सबसे बेसिक तो यही होना चाहिए ना कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो ही तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर करेंगे, अभी फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन पाई बाय टू पे क्या है डिसकंटिन्यूअस, तो लैम्डा की कोई वैल्यू रख लो कुछ भी रख लो कभी कुछ कभी भी फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए लिमिट निकालना जरूर, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है, आप अगर लैम्डा वाला देखोगे ध्यान से, हमें मतलब अगर 1 माइनस साइन बाय एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 का कॉस 2 अपॉन में एक्स, अगर कहीं में भी मतलब जो सेकंड जो हमारा थर्ड लाइन में जो हमारा मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके इक्वल होता तो लैम्डा की वैल्यू तो हम रख सकते थे। हाँ अब देखो यहाँ पे देखो सर होता तो, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है ना, वही है, अगर होता तो अपन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे बोला कि लैम्डा की वैल्यू बताओ फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2, और सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना, ध्यान है आपको लैम्डा की एक वैल्यू पूछी वहाँ पे लैम्डा कुछ भी रखो, यस सर है ना, तो वो सेम वहाँ पे फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइंड, तो लैम्डा की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं यहाँ पे, क्लियर है? ओके ओके बच्चों, अच्छा बच्चों आप लोग है ना बस आज इतना ही मैं कहूंगा कि आप कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे थोड़े जेई के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, मैं आपको थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, आप बेसिक थोड़ा कंटिन्यूटी का बस घर से करके आ जाना एनसीईआरटी पोर्शन, ठीक है एनसीईआरटी में अच्छे से थ्योरम्स पढ़ना, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ना प्रॉपरली और थ्योरम्स को ढंग से पढ़ना, बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसकी थ्योरम और इलस्ट्रेशन पढ़ना और इसके सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई कर लेना, और कुछ मिसलेनियस में अगर क्वेश्चन दिखे मिसलेनियस एक्सरसाइज में तो वहां पे ट्राई कर, इतना बेसिक करके आना ताकि नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन ट्राई करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर, ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।